जय श्री राम सबको। तो आज मैं आपके साथ अपना एक रैंडम डे शेयर करने वाली हूँ दोपहर से लेकर रात तक का, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ वॉलमार्ट जाने के लिए, और जैसे ही मैंने डोर खोला वहाँ पे अमेज़ॉन के पार्सल्स रखे हुए थे डब्बे, जिनको मैंने घर में रखा, और अब निकलते हैं वॉलमार्ट शॉपिंग के लिए। तो मैं वॉलमार्ट पहुंच चुकी हूँ और बहुत अच्छे आइटम क्लियरेंस पे लगे हुए थे, स्पेशली जीन्स जो कि $5 की, $7 की, बहुत अच्छे सेल पे थी $18 की। तो ज़रूर आप चेकआउट ज़रूर करिएगा अपने लोकल वॉलमार्ट में। मैंने पीयू के लिए कुछ सामान ख़रीदा और बस अब घर चलते हैं। सो बस घर में सामान पहुंचाते हैं, बहुत भारी हो गया था सामान यार। और मैं दिखाती हूँ पीयू के लिए मैंने क्या लिया। तो पीयू के लिए मैंने एक कलर बुक ली, वॉशेबल कलर्स लिया, वाटर कलर लिया और एक वॉच ली। आज मैं होममेड पनीर बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए दूध थोड़ा सा बॉईल करने के लिए रख देते हैं। और ये देखो, ये पीहू ने खीरा इस तरीके से खा के छोड़ दिया है। तो थोड़ी सी सफाई करते हैं और खाना बनाते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस डिश वॉशिंग लिक्विड, आई लव इट। मैं बहुत टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम एमवे ब्रांड और ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आई जस्ट लव इट, दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज। तो यहाँ मैंने बनाया है तिल और डेट्स के बढ़िया से लड्डू, कभी आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो अब दूध उबल चुका है, उसमें मैं लेमन का जूस डालने वाली हूँ। मैं ना जब दूध उबल जाता है और उसको मैं थोड़ा ठंडा करती हूँ एंड देन अगेन बॉईल करती हूँ, तो बहुत जल्दी दूध फट जाता है और बहुत ही अच्छा पनीर निकलता है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आज मेरा मूड था केवल पराठा और चाय खाने का, बट पराठा बनाते बनाते मुझे लगा यार चलो कुछ सब्जी बना लेते हैं, तो मैंने फटाक से आलू काट के और आलू की भुजिया बना रही हूँ। तो बस मेरी ये सब्जी बन चुकी है, अब बस बहुत तेज़ भूख लगी है तो मैं जा रही हूँ खाना खाने। तब तक आप लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं, जय श्री राम।